Welcome to Design of Steel Structures. And in this session, we are going to discuss Unit 1, that is the introduction part, right? And in this lecture, we shall be discussing about what is a steel structure, what is design of a steel structure, and what are the various types of steel sections available फॉर डिजाइनिंग स्टील स्ट्रक्चर. तो ये ओवरऑल हमारा इस सेशन जो है उसका सारांश है जो कि हम लोग देखेंगे. ठीक. सो फर्स्ट थिंग, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन को, राइट? यस सर. गुड गुड. सो अगर आप अभी बिल्डिंग मटेरियल्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये सब जो आप पढ़े होंगे इनिशियली जो थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, तो यू हैव सीन स्टील, आपने भी वहाँ भी देखा होगा, है ना? स्टील के बारे में आपने पढ़ा होगा. जैसा कि आपने मॉस पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, वहाँ पर भी स्टील के बारे में आपने पढ़ा था. ठीक. कि स्टील जो होता है उसका टेंसाइल टेस्ट हम लोग करके देख रहे थे, है ना? उसका हम लोग स्ट्रेंथ निकाल के देख रहे थे. तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करके और पता कर लेते थे कि ये स्टील कैसा है, डक्टिलिटी उसका कैसा है. ठीक है. तो ये चीज़ें हम लोग निकाल सकते थे और ये आप सीख चुके होंगे मुझे लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रैक्टिकल जो है फिजिकली किया था टेंसाइल टेस्ट का, तो आपको आइडिया होगा, है ना? ओके. तो जो स्ट्रक्चर स्टील है, बेसिकली जब हम स्ट्रक्चर स्टील की बात करते हैं तो आप सोचेंगे कि स्ट्रक्चर स्टील ये क्या है. तो दिस इज स्टील ओनली, ये स्टील ही है. मतलब जो जिस स्टील को हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए कर रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील बोल रहे हैं. इसका दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग बोले कंस्ट्रक्शनल स्टील. ठीक है. तो ये सब क्या है, जो आपका स्टील स्ट्रक्चर में यूज होता है स्टील, उसको हम लोग स्ट्रक्चर स्टील बोल रहे हैं. तो इनिशियली जब हम स्टील के बारे में सुनते हैं तो ये हमें लगता है कि इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होता है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा यूज होता होगा. जैसा कि आपने देखा होगा जब भी इंडस्ट्री में जाते होंगे तो जो वहाँ का वर्कशॉप होता है, जो कहीं फैक्ट्री में अगर आप गए हों तो देखते हो कि वहाँ का जो स्ट्रक्चर बना होता है टोटली आप देखें कि वो स्टील से बना होता है, ट्रस यूज करके बना होता है ना, ये चीज़ें देखते होंगे. बट इसमें क्या है, इसका यूज जो है आप देखेंगे कि रेजिडेंशियल और ऑफिस बिल्डिंग जो होते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग जो बोलते हो, वो सब में भी होता है. देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ. ये देखिए, ये काफी देख रहे हैं आप, ये सब सारी चीजें जो है आपको इससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है. तो दिस इज अ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बिल्ड ऑफ स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील से ये बना हुआ है आप देखेंगे. और उसके बाद इसमें फ्रेम्ड है तो इसमें क्या है आपका, ये जो भी ग्लासेस देख रहे हैं या बीच बीच में आप पार्टीशन वॉल देख रहे हैं तो ये लगा हुआ है. इसमें आप देखेंगे कंक्रीट कहीं नहीं है, कंक्रीट बहुत ही कम यूज किया गया है ना. तो स्ट्रक्चर स्टील से भी बिल्डिंग्स बन सकते हैं, बनाए जा सकते हैं. ठीक है. बस ये रहता है कि जो कंक्रीट की बात अगर की जाए तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा इकोनॉमी थोड़ा बढ़ जाता है ना. अब स्टील की बात करेंगे तो स्टील और कॉन्क्रीट दोनों में थोड़ा सा ये होगा कि स्टील थोड़ा महंगा है. तो ये चीज़ें हैं. चलिए स्टील के बारे में आप तो जानते होंगे स्टील कैसे बनता है. जैसा कि आपने अभी जो पीछे का स्लाइड था आपने देखा होगा, इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन. सो देर आर फ्यू परसेंटेज, वेरी लेस परसेंट ऑफ कार्बन इज देयर. ठीक है. तो ये हमारा स्टील बनाने का प्रोसीजर है. इसमें मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा कि कैसे स्टील बनाते हैं. तो आई हैव वन वीडियो फ्रॉम टाटा स्टील का है, एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको. All the technology and expertise that goes into the making of steel, the process is similar to cooking. Iron ore is the raw ingredient needed to make steel. This has to be blended with fluxes consisting of limestone, dolomite and dunite. The blended raw materials are sintered, a technology that permits the use of fine iron ore particles that were once considered waste. In coke ovens, coal is processed into coke,
to make it free of impurities. The stamp charging technology enables the use of lower quality coal for coke production. The blended raw materials are then sent to the blast furnace. The iron is smelted by blasting hot air and gases through the raw materials charged in the furnace. After draining the impure slag, the molten hot metal is tapped from the furnace and purified into steel in the LD converters. Here, in the pear-shaped furnace, the hot metal is refined for about 40 minutes. A lance is then lowered, which blows a high-pressure stream of oxygen that separates the impurities. There are two steel-making facilities, the LD1 and LD2. The next step is continuous casting. This involves pouring liquid steel into molds that form billets or slabs. These days at Tata Steel, almost all the steel is continuously cast and then dispatched to two different routes for finishing. The billets are processed into long products such as wire rods and bars. The slabs are processed into various types of flat products. The reheated slabs are fed to a roughing mill and rolled out to make them thinner. They are then coiled and uncoiled before being fed into the finishing mill. The reduced strip is now more than 1/4 of a mile long. After being cooled by a spray cooling system, the thin strip is recoiled and readied for dispatch. The prime feed to the cold rolling are the coils from the hot strip mill. Here, they are further reduced in thickness and given the special attributes according to individual customer requirements. First, the steel is cleaned and made more malleable or ductile through pickling and annealing. At the skin pass mill, the coils are further tempered to improve the finish or texture of the sheets. The sheets are now smoother, shinier and flawless. To stop corrosion, the strip is dipped into a bath of molten zinc in order to give it a uniform protective lining through the hot dip galvanizing process. अब हम लोग प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं। तो आपने ये देखा शुरू से कि जो आयरन ओर को हमने क्या किया, लेके आए आयरन ओर कोक, जो कोल बात करते हैं कोक, उसमें कोक उसको प्रोसेसिंग करके, बर्निंग करके, कैसे उसको रिफाइन करके मेल्टिंग स्टेट में लाके कास्टिंग करके, और कैसे उसको प्रोडक्ट बनाए गए, ठीक है, वायर्स, रॉड्स, फ्लैट्स, है ना, एंड स्टील रोल्ड सेक्शंस जो आप देखेंगे आगे चल के, अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो वेरियस शेप एंड साइजेस आर देयर, उस तरह से उसको कास्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये आइडिया मिल गया कि स्टील कैसे बनता है और जो हमारा फैक्ट्री है वहाँ से स्टील हमें किस फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो स्टील जो हमें प्राप्त होता है, जो मार्केट में आप जाके स्टील मिलता है आपको, दैट इज आयरन रॉड्स, आप देखते होंगे जो आरसीसी में हम लोग यूज करते हैं, तो आयरन रॉड जो भी आपको डिफरेंट डिफरेंट साइज के मिलते होंगे, डायमीटर जो डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा। उसके अलावा अगर और भी जाएंगे तो फ्लैट्स वगैरह, फ्लैट्स, फ्लैट मतलब क्या हो, जो जिसका थिकनेस बहुत कम हो गया, है ना, विड्थ ज्यादा है, थिकनेस बहुत कम है, उस तरह के जो क्रॉस सेक्शन को फ्लैट बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो चीजें। तो अभी हम लोग क्या बात करेंगे, बिफोर गोइंग टू डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, मैं एक बात कहूंगा अभी आपको, जो करंट सिचुएशन आप देख रहे हैं, जो पैंडेमिक का सिचुएशन आप देख रहे हैं, तो अभी आप सोचिए कि पैंडेमिक के कारण क्या सीन बना होगा अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो जो लेबर है, क्या लेबर होंगे हमारे पास सफिशियंट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कीजिए आप, तो वहाँ पर क्या है, जब अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन आया, लॉकडाउन हुआ, तो क्या हुआ, देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, लेबर शॉर्टेज होना शुरू हो गया, लेबर जो है यहाँ से वहाँ माइग्रेट करने लगे, अपने अपने घर आने लगे, तो उससे क्या हुआ, लेबर शॉर्टेज हो गया। उसके बाद अगर बात करें जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, ठीक है, उनको क्या लगा कि हमें अब जो आरसीसी वर्क है, जो कंक्रीट वर्क है, उसमें क्या है, लेबर ज़्यादा चाहिए, तो लेबर कम हो गया, इसका मीनिंग क्या है, जो इंडस्ट्री है जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो क्या कर गए, अब शिफ्ट करने लगे कि स्टील स्ट्रक्चर पर चलते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि रेडीमेड स्टील स्ट्रक्चर हमें मिले,
मतलब रेडीमेड कहने का मतलब कि जो आपका बिल्डिंग का यूनिट होता है, जैसे बीम बोलते हो आप, जैसे कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इस तरह का चीज जो है, जो यूनिट्स है वो हमको बना बनाया मिल जाए, उस तरह का स्ट्रक्चर हमें मिल जाए, है ना, जो स्ट्रक्चरल यूनिट मिल जाए उसको हम लोग ज्वाइन करेंगे और हमारा बिल्डिंग तैयार हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है बढ़ने लग गई, राइट। जैसे आप अभी इंडियन रेलवे की बात करिएगा, तो इंडियन रेलवे में तो मोस्टली अगर देखेंगे तो कंक्रीट को रिप्लेस किया जा रहा है, सब चीजें वहां देखिएगा स्टील स्ट्रक्चर का बना हुआ। अगर आप किसी स्टेशन पे चले जाइए, जैसे अभी कटिहार स्टेशन की बात कर ले, आप जाते होंगे देखते होंगे जो ओवर ब्रिज है, देखते हैं ना, वहाँ पे दो तीन ओवर ब्रिज आपको दिख जाता होगा, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी वायरिंग किया हुआ है, जो भी वहाँ पे पोल देखते होंगे, जितना भी वहाँ पे आप चीजें देख रहे हैं, वो सब किससे बना हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसमें आप एक चीज गौर करने की बात यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टील सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग स्टील सेक्शन के अलावा हम लोग किसकी बात करेंगे, कनेक्शन की भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग वहाँ पे बोल्टिंग, कैसे रिवेटिंग, कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं। सो कनेक्शन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस डिजाइनिंग, राइट। चलिए, तो इसमें क्या है कि अब जाके क्या हो गया, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो क्या चाहते हैं कि हमारा जो कस्टमाइजेबल बिल्डिंग मटेरियल है वो मिल जाए, ताकि हमारा जो हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो सके। तो स्टील स्ट्रक्चर का डिमांड अभी काफी बढ़ गया है, हम करंट सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीजें। चलिए अब हम लोग चलते हैं कि जो स्टील स्ट्रक्चर है इसके डिजाइन में हम लोग क्या करना है। सो इट इन्वॉल्व प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोपोर्शनिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर टू कैरी द मैक्सिमम लोड इन द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कंसिडरेशंस फॉर इरेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एट साइट्स, ठीक है। ये तो डेफिनेशन मैंने पढ़ दिया आपको, लेकिन इसमें क्या मीनिंग क्या है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रक्चर है उसकी प्लानिंग इसमें आती है। स्टील स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं, उसका प्लानिंग, राइट, कैसे प्लान कर रहे हैं उस चीज को बनाने के लिए हम लोग, ये चीज। तो प्लानिंग, अब स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए हमें क्या है, अब हमें प्रायर क्या पता चाहिए, होना चाहिए कि हमें लोड कितना यहाँ पे वेयर करना है हमारे स्ट्रक्चर को। तो लोड्स का आपको पता होना चाहिए, किस तरह की लोडिंग आने वाली है, ये चीज आने वाली है। तो जब भी डिजाइन की बात करते हैं हम लोग, तो ये आपको जो लोड है वो गिवन रहता है ना, लोड आपको पता रहता है कि इतना लोड आने वाला है, इतना डेड लोड होगा, इतना लाइव लोड होगा। तो इनिशियली हमको लाइव लोड पता होगा कि यस हमारा जो स्ट्रक्चर है उस पर, जैसे हम ब्रिज बनाते हैं, ब्रिज की बात करें तो ब्रिज पे क्या होगा, ब्रिज किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, टू ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ से वहां जाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो उससे हमारा क्या है, लाइव लोड का पता चल जाएगा कि इस पर लाइव लोड जाएगा, ठीक है। ब्रिज पे अगर मानिए आपको जैसे गाड़ी चलेगी, गाड़ी का लाइव लोड और ये चीज, तो वो सब क्या है आपको प्रायर पता चल जाता है कि हमारा लोड कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें लोड गिवन है, मतलब स्टील स्ट्रक्चर में अगर आप आगे चल के डिजाइन का क्वेश्चन जब बनाएगा तो आपको लोड गिवन रहेगा, ठीक है। लोड गिवन रहेगा, डेड लोड दिया रहेगा, लाइव लोड दिया रहेगा, राइट, दोनों को कंबाइन कर ले हमारा टोटल लोड आ गया। उसके अलावा भी डिफरेंट लोडिंग्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है। तो ये तो हो गई प्लानिंग, और प्रोपोर्शनिंग ऑफ मेंबर्स का मीनिंग क्या हो गया कि हम लोगों को किस तरह का सेक्शन यूज करना है, राइट, और उस सेक्शन को यूज करना है, प्लस उसमें हम लोग को और क्या क्या बिल्टअप सेक्शन यूज कर रहे हैं या क्या उसमें एडिशन करना है, ये सारी चीजें आती हैं। अब मान लीजिए हमारे पास लोड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लोड अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए, हमारा जो जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, जो हमारा जिसको हम सेक्शन, मतलब जो हमारा क्रॉस सेक्शन किसका है, स्टील का मेंबर का, जो आप चूज कर रहे हैं, जैसे आई सेक्शन बोल रहे हैं, चैनल सेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसका हमारा एरिया बढ़ाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इसी बात करें तो जो आपका जो मॉस पढ़ा है आपने, उसमें एक फ्लेक्सर इक्वेशन पढ़ा था, तो वो याद होगा आप लोगों को, क्या इक्वेशन था, याद है किसी को, अभिषेक बताओ तो। यस सर, फ्लेक्सुरल इक्वेशन सर। हाँ, फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या था, उससे हम रिलेट करेंगे आपको। हाँ बोलिए सर। m/i इक्वल टू स्ट्रेस बाय r इक्वल टू m/i इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन y, राइट, m अपॉन i इक्वल टू सिग्मा अपॉन हम लोग y बोलते हैं, राइट, यही था।
और भी था बट ठीक है हम लोग इतना ही लेके चलते हैं। तो मोमेंट जो था इसको हम लोग लिखते थे सिग्मा इनटू, याद है क्या लिखते थे, जेड। तो सर जेड लिखते थे सर, जेड यहाँ पे क्या है, सेक्शन मॉडुलस। तो जेड यहाँ पे जो आपको है सेक्शन मॉडुलस है। और आपको याद होगा कि अगर जेड ज्यादा होता था तो जो हमारा मोमेंट है, जो हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी ज्यादा होता था, याद है। यस सर। तो अगर मान लीजिए किसी सेक्शन का जेड अगर ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, क्या बोलते हो। स्ट्रेंथ उसका ज्यादा है, यस। हाँ, तो वो चीज है। तो यहाँ यहाँ पे क्या है, आपको फ्लेक्चर इक्वेशन का काफी यूज होने वाला है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम लोड पे स्ट्रेस निकाल लेंगे, है ना, उसको हम लोग एक सेक्शन चूज करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। ये सब चेक करना होगा। तो इसका इक्वेशन, इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें जो सेक्शन लेना होता है बेस्ड ऑन जेड, ठीक है। अगर इसको आप करिएगा, इस जेड को, इस जो जेड का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, इसको अगर जेड के फॉर्मूले में बदलिएगा तो क्या लिख सकते हैं, तो बताइए। जेड के फॉर्मूले में अगर लिखना चाहते हैं तो दिस विल बी एम अपॉन क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा, यही ना जेड है। तो ये जेड जो है, हमको रिक्वायर्ड जेड अगर निकालना होगा तो हम लोग यहाँ से रिक्वायर्ड जेड निकालेंगे और उसी से हम लोग सेक्शन को चूज करेंगे। तो बेसिकली आपको डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में क्या करना है, एक सेक्शन को चूज करना है बेस्ड ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, इस तरह से। और भी बहुत सारी चीजें धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। और एक चीज मैं और बता रहा था यहाँ पे कि एक तो हम लोग क्रॉस सेक्शन जो है सेक्शन चूज करेंगे, ठीक है, स्टील सेक्शन हम लोग यूज करेंगे, वो तो मैंने आपको बोला, ठीक है। इसके अलावा जो भी कनेक्शन होते हैं, ठीक है, कनेक्शन का भी डिजाइन यही करना है आपको, ठीक है। वेल्डिंग होगा, रिवेटिंग होगा, बोल्टिंग होगा, ये सारी चीजें आपको डिजाइन करने हैं। अपार्ट फ्रॉम सेक्शन तो चूज करना ही आपको, क्यों कौन सा सेक्शन यूज करेंगे और किस तरह से उसका असेंबल करना है, तो वो तो आपको रहेगा ही रहेगा। बिल्टअप सेक्शन लेंगे, रोल्ड सेक्शन लेंगे, वो तो रहेगा, प्लस कनेक्शन भी आपको डिजाइन करना है। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट अभी आपको इनिशियली लगेगा कि डिजाइन है तो मुश्किल होगा, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, इसको तो हम लोग पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, चलिए एक बार और करते हैं। द स्ट्रक्चरल स्टील इज यू स्टील यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस, फास्टेनिंग्स एंड अदर एलिमेंट्स फॉर यूज इन स्ट्रक्चरल स्टील वर्क, ठीक है। तो यहाँ दो तीन चीजें जो है आप देखेंगे, एक तो हो गया आपका जो आप देख रहे होंगे रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है, रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। तो ये बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे ये ट्यूब देख रहे हैं, ये ट्यूब देख रहे हैं, ये आई सेक्शन देख रहे हैं, ये चैनल सेक्शन देख रहे हैं, ये आपका एंगल सेक्शन दिख रहा होगा, तो ये सारी चीजें क्या है, दिस इज कॉल्ड रोल्ड स्टील सेक्शन, ठीक है। स्ट्रक्चर स्टील बोलिए, स्टील बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया आप बेसिक कॉन्सेप्ट। फास्टनिंग कहने का मतलब क्या हो गया, जो कनेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग इसको ऐड करेंगे एक दूसरे से, है ना, इसको बेसिकली ऐड करना है हम लोगों को। दो मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चरल सेक्शन है, उसको ऐड करना पड़ेगा तभी तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो ऐड करने के लिए जो फास्टनिंग्स की बात कर रहे हैं वो चीज, बोल्टिंग करिएगा या रिवेटिंग करिएगा या वेल्डिंग करिएगा, तो तीन चीज आपको ज्यादातर दिखेंगी। पहले रिवेटिंग का बहुत ज्यादा यूज होता था, जो आपने रेलवे ब्रिज अगर हम जब भी जाते होंगे ना तो देखते होंगे, वहां पे जो रहता है लगा हुआ, देखें उसका कुछ इस तरह का हेड रहता है, आप देखे होंगे, ये जो हो गया इस तरह से देखिएगा, नीचे रहता है ना, ऐसे करके रहता है, देखे हैं, ये क्या है, रिवेट है, दिस इज रिवेट, इस तरह की चीजें। अब मान लीजिए रिवेट है, अभी इसमें क्या है, ये रिवेट कनेक्शन का होगा तो इस तरह से उसमें रिवेटिंग किया हुआ होगा, अदरवाइज वेल्डिंग होगा या बोल्टिंग होगा, वो सब चीजें, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है। हम लोग अभी आप देख पा रहे होंगे ये सब क्या है, रोल्ड स्टील सेक्शंस हैं, देखा आपको, ये जो है अलग अलग शेप एंड साइज में जो चीजें देख रहे हैं ये क्या है,
रोल्ड स्टील सेक्शंस दिख रहे होंगे, रोल्ड बीम दिख रहा है, रोल्ड बीम। अब देखिए बीम तो बाद में बना, बट दैट इज द रोल्ड आई सेक्शन। जो पहला वाला आपको दिख रहा है ये क्या है आपको, ठीक है, ये आपका आई सेक्शन है पहले, रोल्ड होने से पहले ये आई सेक्शन है। इसके बाद इसको बोलिए, इसको सी बोलते हैं या चैनल सेक्शन बोलते हैं, ये चैनल सेक्शन है, ये हॉरर रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा। इस तरह से सेक्शन जो भी हैं ये बेसिकली नेम कैसे इसको बनाया गया है, तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन जो शेप है इसका, सो वी कैन से स्टील सेक्शंस आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शन शेप। ठीक है, क्रॉस सेक्शंस के बारे में जो आप देख रहे हैं इसका जैसा क्रॉस सेक्शन होगा उस तरह इसको नाम दे दिया गया है। आई की तरह लग रहा है तो आई दे दिया गया है, ठीक है, चैनल सेक्शन दे दिया गया है, ये सी सी की तरह लग रहा है, इसको सी भी बोलते हैं, सी सेक्शन बोल सकते हैं। ट्यूब दिख रहा होगा आपको, तो इस तरह से ये देखिए ये एंगल सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये टी सेक्शन, टी देखिए टी सेक्शन, तो इस तरह की चीजें हैं। और बाकी और भी चीजें जो यहाँ देख पा रहे होंगे वो क्या है, जो मैं इसके नीचे आप देख रहे होंगे, जो इसके नीचे आप देख रहे हैं ये वाली चीजें, ये सब क्या है आपको बताइए, ये आपका है बिल्टअप सेक्शन इसको बोले, क्योंकि इसमें क्या है दो मेंबर को ऐड करके, दो रोल्ड सेक्शन को ऐड करके बनाया गया है, दो तीन चार, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है, मोर देन वन बोल सकते हैं, मोर देन वन अगर ऐड कर दिया तो हो गया बिल्टअप सेक्शन। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं दिस इज द बिल्टअप सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन या आई सेक्शन बनाया है, बिल्टअप बना हुआ है, वेल्डिंग करके बना दिया गया है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका भी यूज होगा। तो अभी हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में, कैसे कैसे इसको अलग अलग शेप साइज में, शेप में जो डेजिग्नेशन है उसका हम लोग देखेंगे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। ओके, तो ये चीजें हम लोग अभी आगे देखेंगे, वो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें आपको समझना ये था कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में हमें अलग करना क्या है।